ओसी ना हो कभी मत खरीदें, रिसेल प्रॉपर्टी खरीदो ही मत। साउथ का एग्जिट हो, वास्तु जो है आजकल पूरे सभी कास्टिज्म के लोग अपना लिए हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा मैं कस्टमर के चॉइस फ्लैट, वास्तु, फ्लोर, व्यू के बारे में जानकारी दूंगा कि जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे वो मैं बता रहा हूं कि प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, न्यू हो रीसेल हो। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि रीसेल प्रॉपर्टी खरीदो ही मत, फिर भी अगर आप खरीदते हैं या कुछ लगता है ऐसा कि जान पहचान में है, कुछ सस्ता मिल रहा है, बैंक ऑक्शन में मिल रहा है, तो प्रॉपर्टी का मैंने क्या देखा है ना कि अच्छा वास्तु, अच्छा व्यू, ये दो चीजें आप जरूर देखें। क्योंकि वास्तु और व्यू अच्छा नहीं होता है तो मैं देखा हूं कि प्रॉपर्टी 3-3 साल से खाली पड़ी है, रेंट पे भी नहीं जा रहा है, रेंटल भी आजकल वास्तु और व्यू देखने लग गए हैं, फ्लोर देखने लग गए हैं। टॉप फ्लोर की प्रॉपर्टी 4-4, 6-6 महीने, 8-8 महीने बंद पड़ी रहती है, भाव डाउन करके उनको रेंट पे देना पड़ रहा है। ग्राउंड फ्लोर, टॉप फ्लोर वास्तु वाली प्रॉपर्टी नहीं है, अच्छा व्यूज नहीं है, तो ऐसे प्रॉपर्टी में हाथ मत डालें। भले आपको वो 5-10 लाख रुपए सस्ता ही मिल रहा हो, आपको आगे वो नुकसान देगा, क्योंकि जो सस्ता दिया है ना वो भी वही झेल रहे हैं। मैंने कई प्रॉपर्टीज ऐसे देख रहा हूँ कि जिसके व्यूज अच्छे नहीं है, वास्तु अच्छे नहीं है, ग्राउंड फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, तो उनके फ्लैट ना रेंट पे जा रहा है ना बिक रहा है। बहुत आफत हो जा रही है उनको, प्रॉपर्टी का डील करना, प्रॉपर्टी पाल के रखना पड़ रहा है, मेंटेनेंस घर से जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर का रेंट घर से जा रहा है। तो आपको मैं पहले ये 4-5 चीजों से अवेयर कर रहा हूँ। ओसी ना हो कभी मत खरीदें, टॉप फ्लोर की प्रॉपर्टी हो, ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी हो, वास्तु एटलीस्ट घर में हवा उजास आना चाहिए, साउथ का एग्जिट हो यानी कि एंट्री नहीं, एंट्री तो शुभ होता है नॉर्थ से जब आप साउथ के अंदर घुसते हो, एंट्री करते हो, लेकिन साउथ बाहर जब निकलते हैं तो सामने साउथ नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वास्तु जो है आजकल पूरे सभी कास्टिज्म के लोग अपना लिए हैं। मैं देखता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कास्टिज्म सभी धर्म के लोग आते हैं वास्तु के ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि वास्तु साइंटिफिक जब से प्रूफ हो चुका है, न्यूज में अनाउंसमेंट हो चुका है, न्यूज पेपर में आ चुका है, तब से वास्तु सभी लोग मानने लग गए। तो ये 4-5 अवेयरनेस आप जरूर रखें। दूसरा, मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है, बैड एक्सपीरियंस हमारे कस्टमर के साथ। बिल्डिंग बन रही है, विंडो के सामने दूसरा टावर खड़ा हो रहा है, उन्होंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, बिल्डिंग जब 1-1.5 साल में बन गया उसके बाद वो व्यू चला गया और बेचने के लिए निकाले हैं तो बिकी नहीं रहा है। अगर आपको पता भी चलता है थोड़ी सी भी कि आपके खिड़की के सामने कोई टावर आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है, तो जल्द से जल्द उसको बेच के निकल जाओ, चाहे आपसे वो कितना भी आप उससे इमोशनल अटैच्ड हैं। आने वाले टाइम में 10-20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया वो नुकसान देके जाएगा, इससे अच्छा है आप वहां से सेल करके निकलें और ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट करें जहां पे आपको फायदा हो, दिशा दशा अच्छी हो, वास्तु अच्छी हो, व्यू अच्छी हो, फ्लोर अच्छा हो, इन्वेस्टमेंट कर दो। भले आप वहां पे लॉन्चिंग स्टेज पे लो, प्री लॉन्च स्टेज पे लो, आपको वहां पे सस्ता मिलेगा, आप भले 1-2 साल 3 साल रेंट पे रह लो, लेकिन वहां आपको 10-20-50 लाख 1 करोड़ का बेनिफिट हो जाएगा। बट ये 4-5 चीजों को ध्यान में रख के ही आप प्रॉपर्टी खरीदें दोस्तों। ये एक अवेयरनेस था जो मेरे कुछ कस्टमर के साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे जितने व्यूअर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके साथ कभी ये बैड एक्सपीरियंस नहीं है, इसके लिए मैं ये अवेयरनेस फैला रहा हूँ आपके बीच में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ। नया कुछ एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी का रहेगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा मैं लेके आता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।